नहीं मैं देख रहा था यार उनको, भाई साहब गंदे गिरे वो तो, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। देखा था क्या गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मेरा न्यू व्लॉग है यूट्यूब में, मेरी यूट्यूब व्लॉग की जर्नी। इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं डेली जो मेरी लाइफ स्टाइल है मैं उसमें क्या करता हूँ, कहाँ कहाँ मैं घूमता हूँ। ये आज व्लॉग भी बनाना था और देखना भी था कि कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ से सीधा डायरेक्ट जाते हैं नीचे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। जो मैं डेली रूटीन में करता हूँ आपको दिखाऊँगा, और घूमना फिरना पसंद करता हूँ, ठीक है। और जैसे मेरे जो भी मेरे ऑफिस के वीक ऑफ्स वगैरह होते हैं, आप में से बहुत से लोग सोचे होंगे कि कैसे घूमा जाए क्या किया जाए। क्योंकि मैं एक बीपीओ सेक्टर से हूँ तो आपको पता है कि इसमें कितनी मुश्किल से छुट्टियाँ मिलती है और कैसे हमें अपने जितने भी वीक ऑफ्स है कॉम्प ऑफ्स है उनको प्लान करना पड़ता है। बहुत ही मतलब मिनिमम से छुट्टी मिलती है, इतनी ज़्यादा छुट्टी नहीं होती है, राइट। क्योंकि सपोज़ मेरा एक वीक ऑफ है तो मैं उसके बाद एक और ऐड कर लेता हूँ और फिर उसके थ्रू मैं घूमने फिरने जाता हूँ, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब में मेरा फर्स्ट टाइम है ये, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जहाँ जहाँ मैं घूमूंगा मैं आपको भी घुमाऊंगा साथ में। अभी तक मैं बहुत सी जगह घूम चुका लेकिन आज तक कहीं मैंने इस तरीके से वीडियो शूट नहीं किया है, ठीक है। अब से मैं जो भी करूँगा वो मैं आपको ही दिखाऊंगा। अभी चलते हैं सीधा नीचे ब्रश करने के लिए। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाने ही भूल गया, ये आया नगर है किधर बता दूँगा। आया नगर पड़ता है जस्ट गुड़गांव के बगल में, जो कि यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है अर्जनगढ़। सूर्य देवता, बहुत तेज़ धूप हो रही है, लिटरली बता नहीं सकता मैं आपको इतनी तेज़ धूप हो रही है। अभी हाल दिखते हैं टैनिंग का मेरे हाथों में, ठीक है। और अभी हम यहाँ से जाते हैं नीचे। तो ऐसा कुछ सीन है, तो अभी हमने जस्ट ये निकाला है, रख दिया छान मान के। देखो हाँ जिम नहीं गया तो फिर ये पीना पड़ेगा। ये पोहा रस चाय और नारियल पानी, टाइम देखो भाई ऑफिस जाना है, 9 बजे तक निकलना है। नहा धो के निकलते हैं यहाँ से। सो भाई साहब हम हो चुके हैं रेडी ऑल सेट, और देखो भयंकर कितनी ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, देख रहे हो बहुत तगड़ी गर्मी दिल्ली में कह सकते। ऊपर पंखा चल रहा है फिर भी पंखा बंद कर दूंगा तो क्या ही हालत होने वाली है मेरी यहाँ पे, ये तो मैं ही सोच रहा हूँ। बाकी निकलते हैं अब, मिलते हैं ना मोटर ब्लॉग पे। सो हे गाइस वेलकम टू द ब्लॉग। अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से अपने ऑफिस के लिए और टाइम भी हो गया काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट मैं लगभग लेट ही हूँ एक तरीके से। यार ये लोग जो मोटर व्लॉग करते होंगे कैसे करते होंगे, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है कि जो मैं मोटर व्लॉग कर रहा हूँ इस तरीके से, लेकिन यार जो करते होंगे वो कैसे करते होंगे मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्योंकि ये हैंकर इतना आसान नहीं है जितना हमें आसान लग रहा है। नहीं देखा भाई जब से बारिश हुई है तो ये पानी का हाल कुछ इस तरीके से है यहाँ पे आयनगर में। ये देखो ये आयनगर का झोड़ा है, सारा पानी यहीं आके जमा होता है। ओ बेटे ये देखो कितना पानी है, पानी नहीं स्विमिंग पूल है पूरा कह सकते हैं आप। 10 बजे का टाइमिंग थी ऑफिस में लेकिन मैं लेट हूँ, कितने बजे निकला हूँ मैं घर से, 9:50 से घर से निकल रहा हूँ, क्या ही पहुँचूँगा वहाँ पे, 11 बज जाएंगे। आयनगर की रोडें कितनी बढ़िया बना दी है, और अंदर संडे मार्केट में काम चल रहा है, यहाँ तो मेन रोड पर तो बढ़िया बन गई है, पहले इतनी बेकार रोड थी कि आयनगर इतने गड्ढे हुआ करते थे यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। सुबह उठने में भी मेरे को टाइम लग गया, 8 बजे में आज मैं उठा सुबह से, बताओ मेरे को उठने का टाइम होता है। जो बंदा डेली सुबह 5:30 बजे उठता हो वो 8 बजे उठेगा तो कैसे चलेगा काम। 5 बजे उठता था, 5 बजे भी कहा, 5:30 बजे उठता था, 6:15 बजे तक जिम जाता था सुबह सुबह, आज वो भी नहीं गया क्योंकि आज पहला ब्लॉग है ना तो कैमरे की थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट है उसकी वजह से। मैं आयनगर में बताने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
ये वो चीज़ है। और ट्रैफिक तो तुम देख ही रहे हो भयंकर, क्या खतरनाक है अपना प्यारा सा अजमगढ़, इसके बिना जाना ही कहाँ। सुकून तो यही आके मिलता लास्ट में। कहते हैं ना कि अगर आप एक बचपन से यहाँ रहते हैं, कहीं भी रहते हो, चाहे वो आयनगर हो या चाहे वो कोई भी जगह हो, तो आपको वहीं पर ही आके लास्ट में अच्छा लगता है। तो मेरा भी यही सीन है। सो मौसम तो यार बहुत ही बढ़िया हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। जैसे कहने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मौसम इतना बढ़िया होगा। वाह, ये हम पहुंच चुके हैं गाइस घिटोरनी, जो कि अब बहुत ही बढ़िया लग रहा दिखने में। घिटोरनी SBI, ओके SBI वालों, यहाँ भी तुमने नहीं छोड़ा पीछा, यहाँ तक आ गए। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, तरक्की में है। पूरा देखो पेंट पर्पल कलर का पेंट कर दिया, अच्छा लग रहा है यार काफी। Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice. गुड आफ्टरनून गाइस, ये हमारा लंच ब्रेक टाइम है और इस समय हम बाहर आ रखे हैं। लंच ब्रेक की जो हमारी टाइमिंग होती है वो 1:30 बजे के आसपास, नहीं सॉरी 1:30 बजे के आसपास ही होती है। और भाई अभी आ रखे हैं बाहर खाने के लिए, खाना पाना नहीं भाई, सुबह से भूख रख रख का लंच मेरे को दिया नहीं दे, यू भी राजमा नहीं दे रहा, राजमा दे दो भाई, खा दो भाई को। लंच सब चुरा चुरू के भाई खा लिया, सारा लंच खा लिया, देख लो आंसू पी पी का काम चला रहा हूँ। देख लो भाई कितना मजाक है, मजाक कर रहा है भाई कितना। हाँ भाई क्या चल रहा है काम? बड़े चल रहे हैं सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया वर्क ऐसी गर्मी में, ना कहीं ओवर टाइम ना कुछ, और कोई रोकेगा टूगे, कोई चलान नहीं कटे, बढ़िया ढूंढनी है बस जगह ढूंढ, जगह तो कहीं मिल जाएगी 4 फुट की यार। क्या भाई कौन सी जगह की बात कर रहे हो यार तुम? ऑल सेल का बिजनेस करना चाहते हैं अर्जुन का, देख लो भाई कोई भी अगर बिजनेस के लिए हो तो कॉन्टेक्ट करे अपनी इसको। सबसे बड़ी बात भाई दिमाग खराब कर रखा है, किसने बोले? सुबह जो है हैं उसकी वजह से भाई दोबारा खाना आ बाहर, ये भाई बहुत ज्यादा भूखे हैं सुबह से और इनको खाना नहीं दिया गया, अभी राजमा चावल फेल के बैठे हैं। पैसा भी कोई नहीं दे रहा भाई, भाई की बहू देख रहे हो तो देख लो ना भरा, ये बताओ भाई कौन से इतने ज्यादा थने में मेरा भी भाई, वो गर्मी में चावल को बिरयानी बोल रहे हैं आजकल तो कोई नहीं। दिमाग चल गए भैया, दिमाग चल गए, आउट है, आउट बाउंड्री पार। सुबह एक छक्का मार दिया था इन्होंने, क्या हुआ सुबह इन्होंने एक चक्का मार दिया था तो तब से इनके दिमाग कर रहा है, देख क्यों मजाक कर रहा है, अब मजाक नहीं देखना ही हो रहा है, ये पिन नहीं डाल रहा है, क्या नेटवर्क इशू है देख नजर आ रहा है, और कैश है नहीं तो भाई को अगर है तो कितने कैश को दे दो भाई, कैश तो मेरे को निकाल के लाना पड़ेगा फोन में का भाई, गर्मी देख रहे हो कितनी तगड़ी हो रही है गर्मी यहाँ पे, कह नहीं सकते कुछ भी, पसीने खड़े खड़े यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं। चेप दी काट ले भाई, चल कोई ना भाई अपना
थैंक यू भाई, लेकिन यार यूएस कैसा हो रहा है? मैं तो बस आगे भाई चलता नहीं है, हो रहा अपन चल नहीं रहा, चलता नहीं है भाई, फोन खराब हो रखा है, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, गुड नाइट। सबसे बड़ा चैलेंज यही है यहाँ से जाने में, जिनकी गाड़ी है भाई साहब वो तो यही रह जाएंगे, आज मुझे लग रहा है घर ही नहीं जाएंगे। तो हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड जाने के लिए जगह ही नहीं है थोड़ी सी भी, ऐसे कैसे लेगा गाइस। एक बार ये सामने फ्लाईओवर बन जाए पुल, उसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यस तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी अभी भाई साहब कितना गंदा ही गिरा है बंदा, वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हाँ भग गया यार वो, क्योंकि भाई ये कट भी है यहाँ, मैं अंकल मैंने देखा अंकल गिर रखे गंदे वाले, देख चला भी नहीं जा रहा यार इनसे। हाँ लेके भग गया, क्या बोलते कट है यहाँ पे, और यहीं पे टक्कर मारी उसने गंदी वाली। हाँ नहीं नहीं हाँ हाँ आपको कैसे पता? अच्छा देखा था क्या आपने मुझे वहाँ पे? अच्छा कौन से प्रोसेस में? अच्छा स्कूल लेट में, नहीं मैंने देखा ये गिर रखे, मैं रुक गया यहाँ पे, अब पता नहीं चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे बाइक। नीचे जाना कि ऊपर जाना? अरे आप कुछ कह नहीं सकते ना, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कौन किसकी गलती है। चलो कोई नहीं यार, अंकल जी तो सेफ एंड सिक्योर निकल गए हैं अपनी बाइक स्टार्ट करके फुर से, बाकी हम भी निकलते हैं अब यहाँ से। आ गए वो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने आय नगर, सुबह यही से निकल रहे और वापस हम यहीं पर ही आ गए है ना। वेलकम टू द आय नगर, 9:12 हो गए, फोन में तो 9:12 ही हो रहे मेरे। ये एयरफोर्स की दीवार टूट जाए ना, आई मीन मतलब हटा दी जाए तो भाई साहब अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा यहाँ पे। अभी देख रहे हो ये पूरा वन वे है, एक तरीके से वन वे, जैसे कि जंगल जाने की जगह है, इसमें दो दो गाड़ी जा रही है, जाना भी और आना भी, गाड़ी वगैरह और खड़ी है तो इससे और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी छुट्टी वगैरह को इस तरीके से मैनेज करता हूँ कि पहले तो मैं फालतू की छुट्टी मैं लेता ही नहीं हूँ, ठीक है, जब मेरी कुछ ज़्यादा ही एमरजेंसी होती है तो ही मैं लेता हूँ, वरना मैं नहीं लेता। प्लस जो भी छुट्टी होती है मैं उनको ज़्यादातर यूटिलाइज़ करता हूँ घूमने फिरने में, अगर मेरा कुछ घर का काम है तो मैं उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ, बाकी ज़्यादातर मैं घूमने फिरने में ही लगाता हूँ अपनी छुट्टियों को। जैसे कि अभी मैं लास्ट टाइम गया था घूमने के लिए ऋषिकेश, उस समय तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था वीडियो बनाने का, कि मैंने वीडियो अभी बनाने की सोची है। बहुत जल्द मैं कहीं का प्लान बनाऊंगा जाने का, अभी तो गाइस मेरा जो है अगस्त यानी कि 13 अगस्त को मैं निकल जाऊंगा वैष्णो देवी के लिए, यानी कि मेरी रात की ट्रेन है, तो थोड़े बहुत आपको दिखाऊंगा बाहर के नज़ारे कैसे होते हैं, डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन जितना हो सकता हो तो दिखाऊँगा। सुबह भी दिखाया था आपका रिजोर्ट, अभी भी दिखा रहा हूँ आयनगर का गट्टे, और इतनी जल्दी वरना तो मैं 10:30 बजे तक ही पहुँचता हूँ, अगर मैं कोई राइड वाइड लेकर आ रहा हूँ तो आज कोई राइड ली नहीं मैंने, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना ब्रिज पे क्या हो गया था। तो यार गाइस जब भी आप भी चलते हो ना ऐसा थोड़ा सेफली चला करो यार, क्योंकि कब क्या पता क्या हो जाए, कौन पीछे से आके मार के चल जाए, कौन बगल से आके टक्कर मार जाए, या कभी कभी क्या होता है यार हमारी गलती भी होती है, कभी कभी सामने वाली गलती होती है, लेकिन हम जज नहीं कर सकते ना उस चीज़ को कि सामने वाली गलती है या फिर हमारी गलती है ना।
इधर ही स्टेशन है, ऑलमोस्ट हम बस पहुंच गए हैं अपने, ये पतली सी गली है। यहाँ से जाएंगे अंदर, ऐसे सूर्य यही से आया था ना, अभी यही से जाओ, यही रास्ता है भाई जाने का, और कौन सा रास्ता है। सो आई होप अभी घर जा के वीडियो एंड करेंगे या फिर यही एंड करूँ। डॉग ये भाग गया था तो थोड़ा बैलेंस इनबैलेंस हो गया भाई, कुत्ता का भरोसा नहीं ना भाई, कब क्या काट दे, कहाँ काट दे, ये भी तो है।